हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बीए टू केयर। फाइव महाराष्ट्र सीईटी लॉ 2022 का जो एग्जाम है स्लॉट वन, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके थे। और इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एनालाइज द स्लॉट टू, क्योंकि ये जो एग्जाम ये दो बार में हुई है, एक सुबह 9 से 11 और एक दोपहर को 2 से 4। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफिकल्टी लेवल, पेपर कैसा था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर जीएलसी। ओके, सबसे पहले जो स्लॉट वन था वो भी सेक्शन वाइज था, और जो स्लॉट टू हुआ ये भी सेक्शन वाइज था, जम्बल्ड नहीं हुआ। जम्बल्ड सिर्फ 2021 में हुआ है अभी तक, एंड उसके पहले भी सेक्शन वाइज हुआ करता था और 2022 में भी सेक्शन वाइज हुआ है। ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल रहा पेपर का स्लॉट टू का, जैसा हमने देखा स्लॉट वन का, उसी प्रकार से मोर और लेस सिमिलर इजी टू मॉडरेट लेवल स्लॉट टू का भी है। सबसे अच्छी बात जो हमें लगती है कि जब हम स्टूडेंट को काफ़ी दिनों से प्रिपेयर कराते हैं एग्जाम के लिए, और उसके बाद जब स्टूडेंट हमें इस प्रकार से कमेंट करते हैं कि पेपर बहुत ईजी था, ट्रस्ट मी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा, और अगर कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो अगर आप याद कर पाए हैं वो भी आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। आप हमारे स्टूडेंट हैं तो जो हमारा डाउट्स का बैच है 2022 का, उसमें आप पोस्ट कर दीजिएगा। यू कैन रीड, जीके नॉर्मल था, करंट अफेयर ज़्यादा नहीं थे, रीजनिंग भी नॉर्मल था, जो पढ़ाया था वही आया। ओके, इंग्लिश भी ईजी गया एंड ऑल्सो लीगल ओवरऑल ईजी। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, या मैं कहूँ मेजॉरिटी, ओके मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स ने अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी, जो लेक्चर्स यहाँ पे हुए थे, चाहे क्लासरूम में या फिर चाहे लाइव क्लासेस में, या फिर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में थे, या फिर बुक्स, मॉक टेस्ट, मोर और लेस उसी प्रकार से पेपर आया है, उसी लेवल का आपको क्वेश्चंस देखने को मिले एग्जाम में। लीगल एप्टीट्यूड जो एरिया था, इजी टू मॉडरेट, एंड जितने भी प्रिंसिपल फैक्ट बेसिस काफ़ी कम आए थे वैसे तो, पर जो भी थे वो ऑलरेडी हमारे बुक्स और मॉक्स में कवर्ड किए गए थे। जो क्वेश्चंस थे मेनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल, टॉर्ट्स एंड फैमिली लॉ। जीके एंड करंट अफेयर्स, यस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था कंपेयर टू स्लॉट वन। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कम थे, एंड जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिस्कवरीज एंड इनोवेशन, इन्वेंशन, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले स्लॉट टू में। लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स एक भी नहीं आया था, बट सीटिंग अरेंजमेंट्स का एक सेट आया था 5 क्वेश्चंस वाला। सीरीज जैसा हमने स्लॉट वन में देखा था 5 से 6 क्वेश्चंस, उसी प्रकार से यहाँ पे भी था। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग था 2 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के ऊपर एक सेट आया था 4 क्वेश्चंस का, क्लॉक्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस हैं, एनोलॉजी के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस हैं। ओके, सिलॉक्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं थे। क्रिटिकल रीजनिंग 5 से 6, एंड कुछ स्टूडेंट्स को शायद 7 से 8 क्वेश्चंस भी देखने को मिले पेपर में, नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आया था। ठीक है, तो ओवरऑल लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ईजी था। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 40 में से 38 के करीब भी वो स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश अगेन ईजी, एक चेंजेस हमें देखने को मिला कि जो स्लॉट वन था वहाँ पे पैसेजेस नहीं थे, पर यहाँ पे 2 पैसेज थे, दोनों में 5-5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 10 क्वेश्चंस। ग्रामर का वेटेज यहाँ पे भी अच्छा खासा था, एंड वोकैबुलरी बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मोरलेस 2-2 क्वेश्चंस थे आपके सिनोनिम्स, मीनिंग्स, एंटोनिम्स के ऊपर, फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर। मैथ्स काफ़ी बेसिक लेवल का था, परसेंटेजेस, रेशियोज, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस थे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, एवरेज के ऊपर एक था, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन हैं, एंड अलजेब्रा, एवरेजेस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को नहीं मिला। फाइन, नाउ इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ क्या जा सकता है, तो जिस प्रकार से लास्ट ईयर का कट ऑफ था, ओके मोर ऑर लेस सिमिलर होगा। तो जीएलसी, ओके जो सबका ड्रीम कॉलेज है, वहाँ पे जाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ होगा वो 128 का होगा, 128 के करीब का। ओके, एंड हो सकता है कि ये आपका 100, जब सेकेंड लिस्ट आए तो हो सकता है 125 या 124 तक जा सकता है, बट डेफिनेटली मोर और लेस सिमिलर टू लास्ट ईयर्स कट ऑफ। तो कट ऑफ के ऊपर ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आते रहेंगे, एंड जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में भी हम आपको, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको वीडियोज़ देखने को मिलते रहेगा। रिजल्ट जो है ये आपका 10 से 15 दिन में आ जाना चाहिए, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस, करीब आपका 1.5 से 2 महीने एडमिशन प्रोसेस चलता है। ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी कंप्लीट जो प्रोसेस है उसके ऊपर हमारे वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। फाइन, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच। हमारा बहुत जल्द एक वीडियो आएगा जिसमें हम बनाएंगे, जो जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। ओके, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच।